मैं योगिता शर्मा आज विक्की दादा छोटू के नाम से जो मशहूर है यूट्यूब पर और टिकटॉक पे, आज हम उनके घर पे हैं और उनसे कुछ बात करने आए हैं। तो विक्की जी, आप बताएंगे अभी क्या शूटिंग वूटिंग का क्या है, या आप घर पे ही हो? पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा, छोटू विक्की दादा नाम है मेरा, और यूट्यूब पर छोटू दादा जी के नाम से मेरी वीडियो आती है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। महामारी चली है कोरोना की, उससे आप, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, सभी लोग अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, और कहीं भी जाएं, बाहर अंदर कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाइए, और सैनिटाइजर अपने पास रखिए, और हाथ को पूरा सेफ रखिए। जी, आपने अभी आप शूटिंग वगैरह करते हैं तो अभी क्या घर पे है, शूट वगैरह पे भी कुछ काम हो रहा है? मैम अभी तो लॉकडाउन की वजह से कोई शूट चल नहीं रहा, अगर लॉकडाउन के बाद देखो क्या होता है आगे। मतलब अभी घर पे ही आप अपनी वीडियोस बना रहे हैं? अभी घर पे है, अभी टिकटॉक वगैरह पे बनाते रहते हैं। वैसे टिकटॉक पे अगर देखना चाहते हो आप तो विक्की दादा के नाम से आईडी है मेरी, विक्की दादा वन। अभी आप लोगों को मनोरंजन भी करते रहते हो, वीडियोस बनाते रहते हो, शूटिंग भी करते रहते हो, तो अभी इस दौरान आप लॉकडाउन के दौरान घर पे हो, तो अभी कैसे मतलब मन लग रहा है आपका, या टाइम पास किस तरह से हो रहा है अभी? बस टाइम पास घर पे करते हैं, बस सारा दिन टीवी देखते हैं और टिकटॉक पे लगे रहते हैं सारा दिन, और कोरोना की वजह से महामारी चल रही है, बस हम तो ये कहेंगे कोरोना की बीमारी चल रही है, बस अपने घर में सेफ रहिए, घर से बाहर ना निकले। कुछ दर्शकों को ये गाना आया मेरा कोरोना जी के उस पे, कोरोना कोरोना मेरे भाई ये डरो ना, टेंशन से टिके मर जाएगा कोरोना, ये गाना है मेरा। चलो, हमारे साथ सिद्धार्थ गौतम जी हैं जो कि समाज सेवक हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, हम बताएंगे, हमें सुनने में आया कि आप लोगों की सेवा करते हैं, किससे जुड़े हैं सर, हमें कुछ बताएंगे? जी, मैं एक समाज सेवी हूँ, मंगलप्री विधानसभा में रहता हूँ मैं, और देश के अधिकतर जितने भी बड़े पॉलिटिकल रहे हैं, समाज रहे हैं, मैं सबसे जुड़ा रहा हूँ अधिकतर, यहाँ के तक कि मैं प्राइम मिनिस्टर जो बीपी सिंह जी रहे हैं उनके साथ भी रहे हैं, रामविलास पासवान जी रहा हूँ, शरद यादव जी के साथ भी रहा हूँ। मैं आज इस विषय पे कहना चाहता हूँ, आज जो मुद्दा चल रहा है वो कोरोना का है। मैं सभी अपनी साथियों से, मंगलपुर के विधानसभा साथियों से और देशवासियों से, नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी हैं वो मास्क पहन के रहें, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2 गज की दूरी, वो बनाए रखें, इसी में ही बचाव है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई इलाज नहीं है इसका, और यदि आप अपने घर में ही सुरक्षित रहेंगे, लॉकडाउन जो सरकार ने आदेश किए हुए हैं उनके निर्देशों का पालन करेंगे, तो ये मान लीजिए कि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। यदि आप लॉकडाउन का नियम नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप बीमारी अपने घर में ला रहे हैं, यही आपको करना पड़ेगा, अपना घर में रहना ही आपका बचाव है, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोरोना जो है जी 1 महीने के करीब हो चुका है जी, तो आप समाज के नाते यहाँ पे अपने क्षेत्र में क्या करवा रहे हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र के अंदर जो भी हो सकता था हमने लोगों को बस जागरूक करने का काम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रशासन है उसके डिग्री हमारे पास कोई है नहीं उसकी, तो हम चाहते हैं लोगों को जागरूक कर सकें। खाली जागरूकता में यही है कि जो सरकार आदेश जारी कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, उनके आदेशों का पालन किया जाए, और लॉकडाउन में अधिक से अधिक अपने घरों में रहा जाए, यही बेहतर होगा। देखिए, कोरोना के चलते हुए जो हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान दे ही रहा है, और सर जो गौतम जी हमारे साथ, वो अपना योगदान लोगों को जागरूक करने के लिए एक अहम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जितना लोग जागरूक होंगे उतना ही अच्छा है, और सेफ भी तभी रहेंगे कि जितना जागरूक हो उनको पता हो कि हमें क्या करना है सेफ्टी के लिए, क्या नहीं करना है, जितना सेफ रह पाएंगे उतना ही हमें कोरोना से सेफ रहेंगे। बाकी यही कहेंगे कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। साथ एक और हैं जो कि लोगों के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं, RW से हैं, संजय जी हैं जो MCD से हैं। संजय जी, आप बताएंगे किस तरह से लोगों का हेल्प कर रहे हैं? जी, हेल्प तो हम पूरी कर रहे हैं भाई, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि हंस ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें और अपने आप को पहले बचाएं। तुम अपने आप को बचाओगे तो दूसरा अपने आप को बचाएगा, अगर बचाते ऐसे चले गए तो समझ लो ये संसार बच जाएगा। अगर इस तरह से आप भीड़ करोगे तो ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना बढ़ता चला जाएगा। तो हमने पूरा जागृत करा है, और हम घर घर भी जाते हैं, बोलते हैं उनको भाई तुम अपने आप को बचाओ,
और बच्चों को सही रखो, घर को साफ सफाई रखो अपने घर में, और अच्छे से अच्छा करो। ये नहीं कि आप लोग भीड़ लगा लेते हो, और सब्जी वाले जैसे भीड़ लगाते हैं वहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ भी इनको, और जैसे हम पे सामान होता है, मास्क होते हैं, ग्लिप्स होते हैं, तो हम उनको देते हैं, बट नहीं है तो मास्क लगा के रोको। सारा सुविधा सब दी है सरकार ने, अभी सरकार ने खाना दिया सबको स्कूलों में। तो पहले 5 बंदों को दिया जाता था खाना, एक घर को 5 बंदे को, अब इस टाइम 2 बंदों को दिया जा रहा है। अब बेचारे आते हैं हमारे पास भी, और खाना यहाँ आया था खूब बटा भी, अब किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता। पहले 5-5 बंदों को खाना दिया जाता, अब 2 बंदों को मिल रहा है उनको। इस टाइम आधे भूखे हैं आधे प्यासे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से कि भाई इनकी नहीं सुविधा करें, और थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें जो इंसान भूखा ना रहे। आज बच्चा बच्चा भी इस टाइम भूखा है, जो पेट भर के खाना नहीं खा रहा, और आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से भूखा प्यासा इंसान रह रहा है, और किसी को सैलरी मिलती है किसी को नहीं मिल रही। तो हम तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप सैलरी का भी करवाएं, जो जिन जिन के हैं, तो कृपा करके केजरीवाल से भी हमें विनती है, और कृपा करके उनको सैलरी का करवाएं।